ये मूवी गैंगस्टर के अच्छे से एक लड़की पसंद आ जाती है और वो उसे किडनैप करता है, उसे अपने पास रखता है, उसे 365 दिन मांगता है अपना प्यार साबित करने के लिए। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है, हमारा मेन कैरेक्टर मैसिमो जो गैंगस्टर का बेटा था उसके पापा कुछ आदमियों से बात करते हैं जो गुंडे थे और वो कहते हैं कि हमें 20 रेफ्यूजी लड़कियों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए, उसमें से कुछ 12 साल की भी हैं, तुम चाहो तो एक रख सकते हो। मैसिमो के पापा कहते हैं सॉरी हमारी फैमिली ये काम नहीं करती, तुम गलत जगह आ गए हो। आदमी कहते हैं सोच लो डील काफ़ी बड़ी है। मैसिमो के पापा कहते हैं तुम अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाओ यहाँ से। वो आदमी कहते हैं थोड़ा और सोचो, और मैसिमो के पापा अपने खास आदमी मारियो को उन्हें समझाने के लिए कहते हैं। मारियो उनसे बात करता है, मैसिमो एक लड़की को देखता है और उसे देखता ही रहता है। उसके पापा आते हैं, मैसिमो कहता है आप इन जोकर से बात क्यों कर रहे हैं। उसके पापा कहते हैं बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं, हमें सबके रिस्पेक्ट करनी चाहिए और तुम कितने देख रहे हो। मैसिमो कहता है सुंदर लड़की को। उसके पापा कहते हैं लड़की दिखती सुंदर है लेकिन उनकी आत्मा हल्की होती है और तुम कब तक इन सब चीज़ों में टाइम पास करोगे। मैसिमो को अपने पापा के बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वो प्लेबॉय वाली लाइफ जीता था। उसके पापा कहते हैं कि समय आएगा तुम्हें अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी, और अचानक उसके पापा को गोली लगती है और मैसिमो को भी गोलियाँ लगती हैं और दोनों बेहोश हो जाते हैं। मारियो उन दोनों को देखता है और उनके पास जाता है। मैसिमो के पापा मर जाते हैं और 5 साल बाद मैसिमो अब अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा था। उसकी मीटिंग थी कुछ लोगों के साथ और एक आदमी कहता है कि आपकी फैमिली एसेट से 12% प्रॉफिट रिकवरी हो पाई है। मैसिमो उन्हें उसके पैसे इन्वेस्ट करने को कहता है और अपने एक्सपेक्टेशन इंटरेस्ट और रिफंड बताता है। आदमी कहता है ये इम्पॉसिबल है और मैसिमो परसेंटेज बढ़ा देता है और अपने गुंडों को उस आदमी के पास भेजता है और धमकी देता है कि उसे कंपनी के सीक्रेट्स पता है और वो मीडिया में लीक कर देगा, और ना चाहते हुए भी मैसिमो की बात सबको माननी पड़ती है। और दूसरी तरफ जिस लड़की को मैसिमो ने देखा था उसका नाम लौरा था, वो भी किसी के साथ डील करती है और घर जाती है, और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो लौरा पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था लेकिन लौरा उसे पसंद करती थी और उसका बॉयफ्रेंड से ज़्यादातर दूर रहने की कोशिश करता था। सीन शिफ्ट होता है, मैसिमो अपने प्राइवेट प्लेन में जाता है जहाँ मारियो कहते हैं कि किसी ने हमारे कंटेनमेंट रोकने की कोशिश करी है। मैसिमो कोकेन का भी बिजनेस करता था और मैसिमो ध्यान नहीं देता और एयर होस्टेस के पास जाता है और पता लगाता है, और मैसिमो एयर होस्टेस को ओरल प्लेजर देता है और दूसरी तरफ लौरा मैस्टरबेट करती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उस पर ध्यान नहीं देता था। और सीन शिफ्ट होता है, लौरा का बर्थडे आता है, उसका बॉयफ्रेंड लौरा के दोस्तों को बुलाता है और सब इंजॉय करते हैं लेकिन लौरा का बॉयफ्रेंड सिर्फ अजीब बातें करता है और लौरा वहाँ से जाती है। लौरा को मैसिमो मिलता है और मैसिमो कहता है क्या तुम खो गई हो। लौरा कहती नहीं और वो जाती है। अगले दिन वो अपनी फ्रेंड से बात करती है, उसका बॉयफ्रेंड आता है, लौरा को इरिटेट करता है और लौरा उसे पूल में धक्का देती है। लौरा अपने बॉयफ्रेंड की वजह से परेशान थी, वो बाहर जाती है और कुछ गुंडे उसका किडनैप करते हैं। और जब लौरा को होश आता है वो देखती है वो एक बड़े घर में थी, वहाँ वो देखती है कि उसकी एक बड़ी फोटो भी लगी थी। वो हैरान हो जाती है, वो बाहर जाती है, मैसिमो आता है और कहता है क्या तुम खो गई हो। लौरा बेहोश हो जाती है और जैसे ही लौरा को होश आता है मैसिमो कहता है मुझे पता है तुम्हें इन सब चीज़ों पर यकीन करना मुश्किल है। और मैसिमो लौरा को आइसक्रीम खिलाता है और लौरा मैसिमो के मुंह पर आइसक्रीम थूक देती है और मैसिमो को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम वापस बेहोश हो जाओ, और वो गुस्से में कहती है तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो, मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ। मैसिमो धक्का देकर लौरा को सोफे पर बैठाता है और ड्रिंक देता है। उसके बाद मैसिमो कहता है मैं तुम्हें एक अमेजिंग बात बताता हूँ, मैंने तुम्हें पहली बार जब एयरपोर्ट पर देखा था मुझे लगा मेरी इमेजिनेशन मेरे साथ गेम खेल रही है, और 5 साल पहले मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई, मेरे पापा मर गए और मैं भी मरने वाला था, मरते मरते भी मुझे बस तुम्हारा ही चेहरा याद रहा था, मैं डेली तुम्हारी पिक्चर देखता हूँ और मैंने तुम्हें दुनिया के हर कोने में ढूंढा, मैंने सोच रखा था जैसे तुम मुझे मिलोगी तुम बस मेरी होगी, और 5 साल ढूंढने के बाद तुम मुझे आखिरकार मिल ही गई। लौरा कहती है मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूँ, तुम मेरा किडनैप नहीं कर सकते ये सोचिए कि मैं तुम्हारी हूँ। मैसिमो कहता है पता है इसलिए मुझे एक चांस चाहिए अपना प्यार साबित करने के लिए। लौरा कहती है मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो मुझे ढूंढ रहा होगा, मेरी फैमिली और फ्रेंड्स हैं,
मेरी एक लाइफ है, मुझे तुम्हें चांस नहीं देना। मैसी में कुछ फोटोज दिखाता है लॉरा के बॉयफ्रेंड की। लॉरा का बॉयफ्रेंड फोटो में किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। मैसी वो कहता है वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। मैंने एक लेटर छुड़वा दिया था तुम्हारे नाम से कि तुमने अब उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है और तुम लंबी ट्रिप पे गई हो। मैंने सब संभाल लिया है, तुम्हें कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। लॉरा खड़ी होती है और कहती है बाहर में जाओ। मैसिमो से रोकता है और उसके क्लोज आता है और कहता है मुझे बस एक चांस दो, मुझे बस तुम्हारे नेक्स्ट बर्थडे तक का टाइम दो, यानी 365 दिन। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा तुम्हारी मर्जी के खिलाफ। और अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो अगले साल तुम अपने घर वापस जा सकती हो, लेकिन जब तक तुम वैसे कोई काम मत करना जिससे मुझे गुस्सा आए। लॉरा गन पॉइंट करती है, मैसिमो कहता है ये खिलौना नहीं है। मैसिमो उसे चला के छीन लेता है और कहता है मुझे मारने की कोशिश करना बेकार है, बहुत लोगों ने कोशिश करी, कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। मारियो आता है और कहता है एक पार्सल आया है, उसमें तुम्हारे साइन की जरूरत है। मैसिमो जाता है। मारियो कहता है तुम्हें अपने बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। मैसिमो कहता है आप अपना काम करिए। मारियो कहता है तुम्हारी फैमिली का साथ देना ही तो मेरा काम है। और मैसिमो एक जगह जाता है जहाँ उसने एक आदमी को पकड़ रखा था, और वो वही आदमी था जो उस दिन उसके पापा से डील कर रहा था लड़कियों को लेकर। मैसिमो कहता है अगर तूने मुझे लूटा होता ना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तूने लड़कियों का बिजनेस किया और तुझे क्या लगता है ये तूने किया, मैं उसके लिए तुझे छोड़ दूंगा। वो आदमी कहता है तुम मुझे मार क्यों नहीं देते। मैसिमो कहता है वो तेरे लिए आसान सजा हो जाती ना। मैसिमो ने उसे एक गुफा में एक पत्थर पे बांध रखा था। मैसिमो कहता है तू इस दुनिया के लिए रेज हो गया, तू एग्जिस्ट ही नहीं करता। और फिर सीन शिफ्ट होता है। लॉरा सोचती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे गोलियाँ चलने की आवाज़ आती है। जो आदमी केव में था वो भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैसिमो के आदमी ने उसे मार दिया था। लॉरा फिर बेहोश हो जाती है और सीन शिफ्ट होता है। लॉरा को होश आता है। मैसिमो कहता है टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज नहीं करे और जो तुमने देखा उसमें मेरी गलती नहीं थी, वो उसी लायक था, उसने हमें चीट किया था और वो अपनी गलती की वजह से मारा गया। लॉरा कहती है मुझे अपना फ़ोन और लैपटॉप चाहिए। मैसिमो कहता है सही टाइम आने पे तुम्हें खुद मिल जाएगा, पर अभी नहीं। और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए हो तो मेरे आदमियों से कहना, अभी तुम अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लो, 2 घंटे में हमें यहाँ से कहीं और जाना है। लॉरा कहती है मैं पोलैंड के अलावा कहीं नहीं जाऊँगी। मैसिमो कहता है मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। लॉरा कहती है मैं कोई सामान नहीं हूँ जो तुम मुझे कहीं भी बिना मेरी मर्जी के ले जाओगे, और अगर तुम सोचते हो कि ऐसे मुझे तुमसे प्यार होगा तो तुम गलत हो। मैसिमो उसके क्लोज आता है, लॉरा उसे थप्पड़ मारती है। मैसिमो कहता है आज के बाद ये वापस मत करना। लॉरा कहती है क्या तुम मुझे मार दोगे। मैसिमो कहता है तुम इटालियन नहीं लगती, तुम में बहुत एटीट्यूड है। और बाद में लॉरा मैसिमो के आदमी से कहती है तुम्हारा बॉस मेरा वजन बढ़ाना चाहता है, तभी उसने इतना खाना दिया है, चलो अब तुम भी मेरे साथ खाओ। और बाद में मैसिमो कहता है चलो मैं तुम्हें कहीं ले जाता हूँ। लॉरा कहती है मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मैसिमो ज़बरदस्ती उसे ले जाता है, वो उसे कार से माउंटेन दिखाता है। लॉरा कहती है अगर तुम्हें लगता है कि माउंटेन दिखाकर मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा तो तुम गलत हो। मैसिमो को गुस्सा आता है, वो उसे शॉपिंग करवाता है। और मैसिमो चेंजिंग रूम में जाता है। लॉरा कहती है तुम यहाँ नहीं आ सकते। मैसिमो कहता है मैं कहीं भी आ सकता हूँ। लॉरा कहती है तुम आखिरी बार ही देख रही हो, फिर तुम मुझे ऐसे कभी भी नहीं देख पाओगे। मैसिमो कहता है मैं तुम्हें कभी भी ऐसे देख सकता हूँ, ये मैं डिसाइड करूँगा। और मैसिमो जाता है। लॉरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वो पुलिस के पास जाती है और कहती है कि एक गुंडे ने मेरा किडनैप कर लिया और मेरी हेल्प करिए। मैसिमो वहाँ आता है, पुलिस वाला कहता है सर गुड मॉर्निंग, और वो वहाँ से जाता है। और मैसिमो कहता है कि तुम सिचुएशन एक्सेप्ट करो, तुम्हें करना ही होगा जैसे मैंने किया। मुझे भी अपने पापा के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनकी डेथ के बाद ना चाहते हुए भी मुझे ये सब संभालना पड़ा। तुम इस टाइम को एडवेंचर की तरह लो, यही तुम्हारी किस्मत है। लॉरा कहती है ये मेरी किस्मत नहीं, तुम्हारी मर्जी है। और हाँ, तुमने कहा था ना तुम बिना मेरे परमिशन के मुझे टच भी नहीं करोगे। मैसिमो कहता है हाँ मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ जैसा तुम सोचती हो। लॉरा कहती है मुझे अपना फ़ोन और लैपटॉप चाहिए और नॉर्मल खाना। और लॉरा जाती है, और बाद में जब लॉरा अपने रूम में जाती है वो देखती है वहाँ कपड़े रखे हुए थे। लॉरा पहनती है और मेकअप करती है। और बाद में मैसिमो और लॉरा डिनर करते हैं। मैसिमो कहता है सब तुम्हारी पसंद का है। लॉरा कहती है ये मेरी माँ के खाने से ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हें
शेफ को जान से मारने की जरूरत नहीं है, मैं उसे सिखा दूंगी। और अब बताओ तुम आखिर करते क्या हो? मैसिमो कहता है बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस। लॉरा कहती है मुझे सच बताओ वरना कैसे मैं तुम्हारे साथ एक साल रह सकती हूँ। मैसिमो कहता है मेरे बहुत सारे क्लब, होटल, रेस्टोरेंट और बहुत सारे काम हैं, कुछ डेंजरस भी हैं जिसके बारे में मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अपने पापा की मौत के बाद ना चाहते हुए भी मुझे ये सब संभालना पड़ा। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? लॉरा कहती है क्या? मैसिमो कहता है क्या तुम मुझे सिखा सकती हो कि मुझे तुम्हारे साथ कैसे अच्छा बिहेव करना है? लॉरा स्माइल करती है और उसके बाद जब वो अपने रूम जाती है वहाँ उसका लैपटॉप और फोन पड़ा हुआ था, और वो अपनी माँ को फोन करती है और सीन शिफ्ट होता है। जब सुबह लॉरा उठती है तो वो देखती है मैसिमो भी वहीं सो रहा था। लॉरा उसे छूने की कोशिश करती है लेकिन वो रुक जाती है, और फिर वो शावर लेने जाती है, मैसिमो भी जाता है। लॉरा उसे ही देखती है और मैसिमो उसके पास आता है और कहता है पता है जब किसी भी चीज़ को फोर्सफुली छीनने की आदत हो तो पता है कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है, और काश जब तुम्हें वो चीज़ बहुत पसंद हो तो प्लीज़ मुझे बार बार प्रवोक मत करो। और सीन शिफ्ट होता है बाद में मैसिमो लॉरा को अपने आदमियों के जरिए ज़बरदस्ती अपने प्राइवेट प्लेन में ले जाता है। मैसिमो कहता है चलो अब मैं बोर तो नहीं होऊंगा, और मैसिमो भी प्लेन में जाता है। उसने लॉरा को बांध रखा था और मैसिमो से टच करता है और लॉरा को अच्छा लगता है। मैसिमो कहता है तुम्हें इंजॉय करने की ज़रूरत है। और बाद में मैसिमो अपने कज़न के साथ बात करता है, लॉरा आइसक्रीम खा रही थी और मैसिमो लॉरा को ही देख रहा था। उसका कज़न कहता है आखिर तुम्हें ये मिली गई, और मैसिमो कहता है हाँ लेकिन इसे हैंडल करना मुश्किल है। और लॉरा आती है और मैसिमो के कज़न के सामने अजीब तरीके से आइसक्रीम खाती है, चाटती है। मैसिमो कहता है ये सब बंद करो, और लॉरा उसके कज़न को आइसक्रीम देकर चली जाती है। उसका कज़न कहता है वैसे ये बढ़िया है लेकिन तुम्हें देखना चाहिए कि ये फाउंटेन में क्या कर रही है। और जैसे ही मैसिमो लॉरा को देखता है उसका कज़न आइसक्रीम खाता है लॉरा की दी हुई, और सीन शिफ्ट होता है। मैसिमो कहता है तुम टॉयलेट जाकर नहीं कर सकती थी। लॉरा कहती है फाउंटेन ज़्यादा पास था टॉयलेट के, और मैसिमो लॉरा को अपने रूम में ले जाता है जहाँ उसकी एक बड़ी फोटो थी। लॉरा कहती है वाह ग्रेट मैसिमो। लॉरा उसे टीज करती है और मैसिमो टॉवल हटाता है और नीचे रोता है। लॉरा कहती है तुम्हारे पास हर काम करने के लिए स्टाफ है, तुम ये भी किसी और से करवा लो। मैसिमो कहता है अब तुम मुझे मना कर रही हो? लॉरा कहती है हाँ तुम सपने में ही करना मेरे साथ। मैसिमो को गुस्सा आता है, लॉरा जाने लगती है लेकिन गेट बंद था। मैसिमो लॉरा के पास आता है और कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ टीज करना क्या होता है। मैसिमो लॉरा को बेड पे फेंकता है और एक चेन से उसके हाथ पर बांधता है, और उसी के सामने दूसरी लड़की को प्लेजर देता है और कहता है देखा तुम मेरा फायदा नहीं उठा सकती, अगली बार मुझे टीज करने की कोशिश भी मत करना और मेरा इस्तेमाल करने का सोचना भी मत। वो दिन जरूर आएगा जब तुम्हारी बॉडी पे मेरा कंट्रोल होगा। मैसिमो उसके हाथ पैर खोलता है और कहता है कपड़े पहनो, तुम्हें मेरे साथ मेरे क्लब चलना है। और मैसिमो जाता है और लॉरा अपीलिंग कपड़े पहनकर क्लब आती है। मैसिमो का आदमी कहता है पहले बॉस तुम्हें मारेंगे उसके बाद मुझे, और मैसिमो का आदमी लॉरा के साथ रहता है हर टाइम। लॉरा मैसिमो के पास जाती है, मैसिमो राइवल माफिया के साथ मीटिंग कर रहा था। लॉरा सबको अपीलिंग इशारे करती है, मैसिमो से ले जाता है और कहता है कि तुम क्या पहन के आई हो? लॉरा कहती है अब तुम्हें मुझे अनड्रेस करने में आसानी होगी। मैसिमो कहता है मुझे जब चाहिए होगा मैं ले लूँगा, और मैसिमो जाता है। और लॉरा एक आदमी के साथ बात करती है, उसके साथ डांस करती है, वो आदमी उसी ग्रुप का था जिससे मैसिमो मीटिंग कर रहा था। लॉरा उसके साथ पोल डांस करती है और वो आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता, वो लॉरा के साथ ज़बरदस्ती करता है। मैसिमो लॉरा को बचाता है और अपनी गन लगाता है सब पे और पॉइंट करता है, और सीन शिफ्ट होता है। लॉरा शिप में उठती है, मारियो मैसिमो से कहता है तुमने जंग छेड़ दी है इस लड़की की वजह से, अब तुम्हारी दुश्मनी हो गई है उनसे, अब एक काम करो उस लड़की को वापस भेजो और अपनी गर्लफ्रेंड रहना से माफ़ी मांगो और नई लाइफ स्टार्ट करो। और मैसिमो मारियो का कॉलर पकड़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कहने की? लॉरा सब सुनती है और सॉरी कहती है और कहती है मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। मैसिमो कहता है तुम कुछ सोचती कहाँ हो? लॉरा कहती है क्या तुमने उसे मार दिया? मैसिमो कहता है तुम इसके बारे में क्यों सोच रही हो? लॉरा कहती है तुमने उसे मार दिया ना? मैसिमो कहता तुम्हें क्या करता, और ये जब तक चलता रहेगा जब तक तुम प्रोस्टिट्यूट वाली हरकतें बंद नहीं करोगी? लॉरा कहती है तुम्हें लगता है इसमें मेरी गलती थी? तुम्हारे दोस्त ने मेरा रेप करने की कोशिश करी, बस तुम्हारा बहुत हुआ। मैसिमो को गुस्सा आता है
लॉरा शिप के टॉप पे जाती है, मैसिमो उसके पीछे जाता है। लॉरा उसे जाने को कहती है और उसे धक्का देती है, इस चक्कर में लॉरा शिप से गिर जाती है। मैसिमो भी कूदता है लॉरा को बचाने के लिए, और बाद में जब लॉरा को होश आता है तो मैसिमो कहता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती हो। लॉरा कहती है तुमने मुझे बचाया। मैसिमो कहता है हाँ। लॉरा कहती है अभी सब बंद करना होगा। मैसिमो कहता है तुम ये भी नहीं समझते कि मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मैसिमो जाने लगता है, लॉरा रोकती है और उसे प्लेजर देती है, और बाद में दोनों इंटीमेट होते हैं। और मैसिमो कहता है हम एक ही घंटे सोए हैं। लॉरा कहती है तुम थक गए क्या। मैसिमो कहता नहीं, लेकिन इवनिंग सरप्राइज के लिए एनर्जी बचा के रखो, हम बॉल जा रहे हैं। और लॉरा कहती है मेरे पास कपड़े भी नहीं है। और सीन शिफ्ट होता है, लॉरा अच्छे कपड़े पहनती है, उसका मेकअप होता है, और वो मैसिमो के साथ एक प्रोग्राम में जाती है जहाँ वो दोनों बहुत डांस करते हैं। और एक लड़की आती है जो मैसिमो की गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम ऐना था। वो कहती है तो आखिरकार तुमने इसे ढूंढ लिया। और ऐना लॉरा को कहती है ओ अच्छा तो तुम हो मैसिमो का ट्रू लव। मैसिमो कहता है तुम्हें क्या चाहिए। ऐना कहती है मैं इसे मार दूंगी और तुमसे तुम्हारी सबसे प्रीशियस चीज छीन लूंगी जैसे तुमने मेरे साथ किया। और ऐना जाती है, लॉरा कहती है ये कौन है। मैसिमो कहता है मेरी रीसेंट स्टोरी। लॉरा कहती है कितनी। मैसिमो कहता है मैंने इसे छोड़ दिया था जब मैं तुम्हें अपने घर लाया था, और मैंने इससे कुछ भी नहीं छुपाया था। इसे मैंने पहले ही बोला था जब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा। लॉरा कहती है फिर वो तुम्हारे साथ रिलेशन में कैसे थी। मैसिमो कहता है इसे लगा था कि तुम मुझे कभी भी नहीं मिलोगी। लॉरा कहती है ये क्या कह रही थी। मैसिमो कहता है कुछ नहीं। लॉरा कहती है तुम्हें मुझे सच बताना होगा। मैसिमो कहता है कि इसने कहा कि ये तुम्हें मार देगी, लेकिन मेरा यकीन करो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ और हमेशा रहूँगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और लॉरा और मैसिमो वॉशरूम जाते हैं और वो दोनों वहीं इंटीमेट होते हैं। और मैसिमो कहता है कल तुम्हारी फ्लाइट है पोलैंड की, मेरा आदमी तुम्हें ले जाएगा। लॉरा कहती है लेकिन क्यों। मैसिमो कहता है तुम्हें कहा था कि तुम्हें अपनी फैमिली से मिलना है, मुझे काम है, वो काम खत्म करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और मैसिमो जाते हुए कहता है मुझे तुमसे बहुत प्यार है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और सीन शिफ्ट होता है, लॉरा मैसिमो के आदमी के साथ कार में जा रही थी। मैसिमो का आदमी कहता है तुम ऐना की टेंशन मत लेना, वो कुछ नहीं कर सकती, तुम बस मैसिमो के साथ फ्यूचर का सोचो। और उसे फोन आता है और उसे लॉरा को बीच में छोड़ के जाना पड़ता है। और लॉरा घर जाती है, अपने दोस्तों को फोन करती है, उसके बाद वो उसके घर जाती है और दोनों एक साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। लॉरा अपने दोस्त को मैसिमो के बारे में बताती है और उसके बाद दोनों बहुत इंजॉय करते हैं, मेकअप करवाते हैं और क्लब जाते हैं। वहाँ लॉरा का बॉयफ्रेंड आता है, वो लॉरा से माफ़ी मांगता है, लॉरा उससे बात नहीं करना चाहती थी। और वो अपने अपार्टमेंट आती है और उसका बॉयफ्रेंड भी उसके पीछे आ जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरा के घर में मैसिमो पहले से आया हुआ था। और वो कहता है क्या तुम लोग इंग्लिश में बात कर सकते हो ताकि मैं भी समझ सकूं। लॉरा का बॉयफ्रेंड चले जाता है और मैसिमो कहता है तुम बहुत अच्छी लग रही हो। लॉरा कहती है तुम भी, और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। और उसके बाद लॉरा कहती है मुझे 365 दिन नहीं चाहिए। मैसिमो कहता है क्यों। लॉरा कहती है क्योंकि आई लव यू। और मैसिमो खुश हो जाता है। और सुबह मैसिमो कहता है क्या वो सस्ता जो कल तुमने रात को कहा था। लॉरा कहती है हाँ। और दोनों बहुत शॉपिंग करते हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और मैसिमो लॉरा के पेरेंट्स से मिलने जाता है। लॉरा कहती है उन्हें ये मत बताना तुम एग्जैक्टली क्या काम करते हो। मैसिमो कहता है तो मैं उनसे क्या कहूँगा। लॉरा कहती है पता नहीं। और लॉरा के पेरेंट्स आते हैं। लॉरा के पापा कहते हैं तुम क्या काम करते हो। मैसिमो कहता है मैं गैंगस्टर हूँ। लॉरा की माँ कहती है अच्छा है तुम पहले हो हमारे खानदान में, लॉरा बहुत लकी है। और वो मैसिमो की बात को मजाक में लेते हैं। लॉरा के पापा कहते हैं तुम्हारे इरादे क्या हैं लॉरा को लेकर। मैसिमो कहता है बुरे। और लॉरा के पेरेंट्स हंसते हैं, उन्हें मजाक ही लगता है। उसके बाद मैसिमो और लॉरा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और सीन शिफ्ट होता है और मारियो लॉरा और मैसिमो लंच करते हैं। मैसिमो कहता है तुम उदास क्यों हो। लॉरा कहती है क्योंकि तुमने कहा कि हमारी शादी में पोलैंड से कोई नहीं आ सकता। मैसिमो कहता है तुमने ही तो कहा था ना कि तुम अपने पेरेंट्स को मेरे काम के बारे में नहीं बताना चाहती। लॉरा कहती है मेरे दोस्त आ सकती है कम से कम, उसे तुम्हारे बारे में सब पता है। मैसिमो कहता है ठीक है और वो जाता है। लॉरा मारियो से कहती है
मुझे लगता है आप मेरे से नफरत करते हैं। मारियो कहता है ऐसा नहीं है, कुछ पर्सनल नहीं है, बस तुम्हारी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और मैं तुम्हारे दोस्त के आने का इंतजाम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वो तुमसे ज़्यादा समझदार हो। और लॉरा की दोस्त आती है और लॉरा उसके साथ बहुत इंजॉय करती है और लॉरा उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी दोस्त मैसिमो को बताने को कहती है। लॉरा कहती है वो उसे सरप्राइज देना चाहती है और दोनों वेडिंग ड्रेस की शॉपिंग करते हैं। उसकी दोस्त कहती है तुम बहुत अच्छी लग रही हो और दोनों कार में जाते हैं। उसकी दोस्त कहती है तुम्हें बता देना चाहिए मैसिमो को। लॉरा मैसिमो को फ़ोन करती है और मारियो को फ़ोन आता है एक आदमी का और वो कहता है कि वो लोग लॉरा को मारना चाहते हैं। वो आदमी बिजनेस माफिया राइवल की बात कर रहा था और वो वही राइवल है जिसके आदमियों को मैसिमो ने मारा था लॉरा की वजह से। और मारियो अपने ड्राइवर को जल्दी कार चलाने को कहता है और मैसिमो लॉरा को फ़ोन पे कहता है मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। लॉरा कहती है मुझे डिनर के बाद तुमसे बात करनी है। मैसिमो कहता है किस बारे में। लॉरा अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ बताने वाली थी। मैसिमो कहता है कुछ हुआ है क्या। मारियो बहुत फोन करता है लेकिन लॉरा मैसिमो से बात करती है और लॉरा की कार एक टनल में जाती है और टनल से कार बाहर नहीं आती। और मारियो मैसिमो के पास जाता है। मैसिमो को लॉरा की आवाज़ नहीं सुनाई देती। वो बहुत बार लॉरा बोलता है। मारियो अपना फ़ोन दिखाता है उदास होकर। मैसिमो समझ जाता है और वो बहुत रोता है। और टनल में पुलिस की कार आती है, इसका मतलब लॉरा मर गई थी। इस मूवी से हमें पता चलता है कि बुरे काम करने का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। मेरी मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।